आपके साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा की आलू मंडी में और जिस आड़त पर मौजूद हूं यहां आपको सभी नस्लों के आलू के भाव मिलेंगे और जितना भी आलू कितनी अराइवल हुई है, कितना आलू बैलेंस बचता है, ये सारा कुछ आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है। लेकिन निवेदन यही है, जब हम इतनी दूर से आप लोगों के लिए आ रहे हैं, आपके फ़ायदे के लिए आ रहे हैं, तो वीडियो बिना रुके शेयर कीजिए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में सभी किसानों के साथ शेयर कीजिए। अगर देखा जाए तो मैं आपको पहले ये दिखा दूँ, देखिए 3797 भी यहाँ पर है, 302 भी है, ख्याति बैग में है और पुखराज भी बैग में है। तो मेरे साथ में आड़त वाले भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा चाचा जी से। चाचा जी, अपनी आड़त का नाम बताइए। मोहम्मद रफ़ीक अफसल कंपनी, मास्टर लुकमान, क्या दुकान नंबर टी शर्ट। क्या स्थिति चल रही है आपके आलू की मंडी में और आपकी आड़त पर आलू की वेराइटीज़ की? आलू दो तीन दिन से थोड़ा सा उठान हुआ है आलू के अंदर। इससे पहले आलू की पोजीशन बहुत ख़राब थी, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, उसमें व्यापारी को भी नुकसान हो रहा है, आड़तियों को भी उसमें ही तो हो रहा है। लेकिन जैसे दो चार दो दिन से ज़्यादा सालक होने की वजह से स्थिति कुछ उठान में चल रही है और किसान में भी जो है बाज़ार को देखते हुए मंडी के अंदर माल कम लेके आ रहा है, खुदाई भी कम कर रहा है, क्योंकि किसान सोच रहा है कि आगे हो सकता है बाज़ार मिल जाए। इस वजह से आलू की जो आमद है हल्की कम चल रही है। जैसे कि आलू के प्रजाति हैं आपके पास में, ख्याति क्या रेट बिकता है आलू में? क्या 1 रुपये के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, ख्याति वगैरह आ रहा है, बिक रहा है 7 रुपये किलो, 6 रुपये किलो जी भैया चल रहा है। पुखराज 6 और 7, 6 7 रुपये किलो, 6-7 पुखराज। ख्याति भी यही समझ लेट चल रहा है। 3797 आपके सामने है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। क्या रेट है ये? 8 रुपये बेच रहा है हमारा, 8 रुपये किलो, 1 रुपये की बढ़ोतरी। हाँ, चंबल है क्या? चंबल नहीं, ये चंबल आलू बढ़िया आलू है। क्या रेट है ये? 9 रुपये 10 रुपये का आलू है ये भी। 3797 में 8 और 3797 चंबल 9-10 रुपये। कारण क्या है? कारण कुछ तो आदमी जो है इसका उसको अच्छी तरह से समझता है, माल बढ़िया है थोड़ा सा और सब्ज़ी टेस्टी बनती है इसकी, तो आदमी उसको ज़्यादा पकड़ता है। आगे क्या पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? आगे जो है आलू की जो है चांस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और हो सकता है बाजार एक आदमी और बढ़ जाएंगे आलू के। कितना? लगभग 12 रुपये तक पोजीशन पहुँच सकती है आलू की। पहुँच सकते हैं? कितने दिन लग जाएंगे? 2-3 दिन के अंदर पहुँच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। किसान अभी किसानों को या आपको, मेरा सवाल ये है कि किसान जब किसान ही 8-9 रुपये किलो, 9×45 450 रुपये की उसकी आड़त कट गई, 400 रुपये मिला है उसे, 400 रुपये में क्या उसे लागत मिल पा रही है? ये लागत तो मिल पा रही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी नुकसान है किसान का। जो बाज़ार मिलना चाहिए किसान को, वो चीज़ अभी नहीं मिल पा रहा है। नहीं, उसे किसान को तो है, फिर आड़त आप आड़त वाले हैं तो आड़त आपको भी नहीं टैक्स देना पड़ रहा होगा? नहीं, हमें तो टैक्स देना पड़ता है, बिना टैक्स के क्या है, मंडी सब्जी देनी पड़ेगी, बिना टैक्स के थोड़ी काम चल सकता है, टैक्स तो देना पड़ेगा, चाहे हमें 50 रुपये मिले चाहे 10 रुपये मिले, हमें टैक्स उतारने देना है मंडी समिति को। इससे जो 8 या 9 रुपये किलो अभी 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, ये कोई खास बढ़ोतरी नहीं है? जी जी। और खास बढ़ोतरी नहीं है तो इससे किसान भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि अगर आलू पैदावार उत्तर प्रदेश में कम निकल रही है, क्योंकि जिस तरीके की बारिश हुई है, बारिश होने के बाद में एकाएक पैदावार पर फ़र्क पड़ा है, आल नष्ट हो गई, अब जो जितनी भी बची है वो 10 दिन में और चली जाएगी, क्योंकि एकाएक झुलसा सा आ गया, पूरा तरीके से खेत जो है सफाचट हो रहे हैं। तो ऐसे में पैदावार का यही फूलने का समय था, अब वो आलू फूल नहीं रहा है, तो ऐसे में पैदावार क्या देख रहे हैं? पैदावार क्या है कि थोड़ा आलू में रोग लगने के कारण आलू बहुत कम निकल रहा है, किसान को बहुत नुकसान हो रहा है, बारिश होने से बहुत नुकसान हो, किसान को मोटा नुकसान हुआ है। अभी ये बारिश होने से पहले आलू 4 रुपये तक भी गया तो किसान की लागत भी नहीं निकल पाई थी, लेकिन यह है कि थोड़ा सा किसान को बेनिफिट मिलने के लिए अग्रसर है, लेकिन जब किसान खुदाई करके देख रहा है तो आलू के अंदर जो है रोग की स्थिति ज़्यादा निकल रही है, तो कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, चांस है, ऐसी बात नहीं है, आगे जो बाज़ार मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ में राजू भैया भी मौजूद हैं, राजू भैया से पूछ लेते हैं। भैया आड़त का नाम बताएं अपनी का। मेरा आड़त का नाम भैया, मैं तो यहाँ मेरा आड़त का नाम आड़त अंदर है। क्या नाम है? राजू। राजू भैया, क्या स्थिति चल रही है आपके आलू आड़त पे? आड़त पे बिकाए 8 रुपये किलो आलू बिकाए, 8 रुपये किलो। प्राइस वायर बता दीजिए, क्या 302 का क्या रेट चल रहा है? एक ही रेट है सदा 302 का। क्या थी? सब एक ही रुपये है। 3797 में आ रही है, बहुत कम आ रहा है। तो आपकी आड़त पर कम आ रहा है? हाँ, बहुत कम ही आ रहा है। तो क्या किसान आगे क्या पॉसिबिलिटी नज़र आ रही, बढ़ेगा? कोई जो बढ़ भी सकता है और नहीं भी, दोनों बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये आलू है? आलू है। ये गोल है? गोल है। इसे किधर भी लुढ़क सकता है? अच्छा, कहीं भी आ सकता है। तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? किसान के लिए क्या है कि आप तो अपना जो बेचें और जो बहुत अपना जो कोल्ड में रखते हैं, जो कोल्ड जो कोल्ड में रखेंगे। चलिए किसान साथियों, ये थे मेरे साथ में आगरा की आलू मंडी से आलू के भाव, रोज़ाना आलू के भाव जानने के लिए और अपना अच्छा रेट लेने के लिए रोज़ाना वीडियो देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में ही बेल आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आगरा की मंडी से, आपको यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन देगा। बहरहाल किसान साथी, मेरे साथ में इतना ही, आपका दिन शुभ हो।